बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। सो दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। आई एम होपफुल दैट यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घर पर रहकर ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। अगर आजकल के ज़माने में आप पढ़ेंगे नहीं तो आप ये भूल जाएं कि कोई भी आपको एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न समझेगा। बेटा जी, आजकल के ज़माने में ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टडी देन यू हैव नो फ्यूचर। आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप भूल जाएं कि अब ऐसा होगा कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बड़े थोड़ा सा अगर यंग एज में जाएंगे तो कोई आपको अच्छा समझेगा। नो, कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। सो अपना एक एम बना लें, एक गोल बना लें, एक मकसद बना लें दैट यू हैव टू डू वेरी बेस्ट थिंग्स, कि आपने वो चीज़ें करनी हैं जो आपसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने की हैं। लाइक आपके पापा हैं, वो इतने सक्सेसफुल हैं, हर कोई उनकी तारीफ़ें करता है। दिस इज़ द थिंग कि आप ये सीखें कि अब आपने इतना काबिल बनना है कि लोग आपके पापा से भी ज़्यादा आपकी तारीफ़ करें। इसमें आपकी भी इज्जत है, आपके पापा की भी इज्जत है। तो ये सब कुछ करने के लिए यू हैव टू डू योर स्टडी फर्स्ट। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, और पढ़ना डजंट मीन कि आप बस पढ़ा सर से उतारा के बस हो गया काम। नो, जब तक आप एक चीज़ को अपने दिल में बिठा कर नहीं करते तब तक वो चीज़ आपके सर पर असर नहीं करती। लाइक अगर आप कभी कुरान पाक की कोई आयत या कोई सूरत सुन लें या पढ़ने बैठ जाएं तो अपने आप दिल करता है। जैसे कि जो बच्चे हिफ्ज करते हैं इन माशाल्लाह, वो बच्चे शुरू तो करते हैं तब उनका थोड़ा थोड़ा दिल करता है, लेकिन जब उनको आगे से आगे एक पूरा पहले एक सूरत फिर एक जब पूरा सुपारा याद हो जाता है तो वो उसका उनमें बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो जाता है, तो फिर वो माशाल्लाह से पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ को अपने दिल से पसंद करते हैं, अपने दिल लगा कर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको आती ही नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी में आपकी सक्सेस का बायस बनती है कि आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें फाइव क्लास, जब भी आप कुछ भी पढ़ें दिल से पढ़ें। ऐसे नहीं पढ़ें कि बस आपने सर से उतारना है। नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे। जो भी पढ़ें, जो भी सीखें, वो दिल से सीखें ताकि आगे जाके आपको ही इसका फ़ायदा हो। और आपसे कोशिश करें कि अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ है तो इससे आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। ऐसा नहीं है कि देखिए, जो नॉलेज होती है ना वो हर तरीके की हर तरफ जानी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स के पास वो नॉलेज हो जो मेरे पास है, एंड समटाइम्स आई थिंक कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज उनके पास हो, कि मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड मैं फ़ील करूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी ज़्यादा काबिल हैं, दे आर मोर एबल देन मी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू टीच यू। मैं चाहती थी कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, बट कंडीशंस ऐसी है कि मुझे इस तरीके से आपको ये सब कुछ बताना पड़ रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर टू। हम अपना लेसन नंबर टू स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज़ इट। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द स्ट्रेंज कैटल। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और केटल होती है केतली, चाय वाली केतली होती है ना जिसमें चाय डालते हैं अक्सर मामा, तो उसको कहते हैं केतली। तो इसका मतलब पहले हम ऊपर लिख देते हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव टू राइट इट विद मी, मेरे साथ साथ लिखना है सबने। स्ट्रेंज, अजीब, स्ट्रेंज अजीब, केटल केतली। काफ ये ते लाम छोटी ली केतली। ओके,
सो प्री रीडिंग एक्टिविटी है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन दिस स्टोरी, आप क्या सोचते हैं कि इस कहानी में क्या कुछ होगा, ये हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशंस की थी इस पर, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट आवर रीडिंग। जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती वो कोशिश करें कि मैं जब पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत गौर से सुने, और जिनको रीडिंग आती है वो कोशिश करें कि जब मैं पढ़ा लूँ तब आप बार बार इसको रिपीट करते चले जाएं। ओके। वन आफ्टरनून अ वुड कटर वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। वुड कटर लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काट के अपना पेट पालते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, उनको बेचते हैं और उन्हीं से उनका घर चलता है। रिटर्निंग वापस आना, होम घर, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल से, फॉरेस्ट जंगल। एक दोपहर एक लकड़हारा जंगल से अपने घर वापस आ रहा था। देखिए फाइव क्लास, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि वॉज, जिस सेंटेंस में वॉज आ जाता है, वॉज या वर, वो पास्ट टेंस होते हैं, और जब वॉज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है। वो माजी जो जा रहा था, चल रहा था माजी। देखिए जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि स्टोरीज़ हमेशा पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि कहानियाँ पुरानी होती हैं जिनको हम बाद में सुनाते चले जाते हैं, तो पुरानी चीज़ों को हम पास्ट की चीज़ें कहते हैं, तो कहानियाँ पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। लाइक पास्ट टेंस में ये काम हो रहा था कि एक दोपहर को एक लकड़हारा जंगल से अपने घर वापस आ रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, टायर्ड थका हुआ था। बट प्राउड, लेकिन उसे इस बात का फ़ख्र था, प्राउड फ़ख्र, दैट ही हैड कम्प्लीटेड अ फुल डेज वर्क। किस बात का फ़ख्र था? कि उसने पूरे दिन का काम मुकम्मल कर लिया था। कम्प्लीटेड मुकम्मल, फुल डेज वर्क, पूरे दिन का काम। ही हैड कम्प्लीटेड अ फुल डेज वर्क, किसने पूरे दिन का काम मुकम्मल कर लिया था। ही सॉ समथिंग शाइनी बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प, उसने कुछ चमकता हुआ देखा। शाइनी चमकदार, बिहाइंड पीछे, अ बिग ट्री स्टम्प, स्टम्प होता है तना, बड़े दरख्त के तने के पीछे उसने कुछ चमकदार देखा। सा का मतलब होता है देखा, ये सेकंड फॉर्म है सी की, सी सा सीन, तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की होती है इसीलिए सा। इट वाज अ ह्यूज ओल्ड ब्रास केटल, ह्यूज बड़ी, ओल्ड पुरानी, ब्रास पीतल, पे ये तेलाम पीतल, केटल केतली, ये एक बहुत बड़ी पुरानी पीतल की केतली थी। द बिगेस्ट केटल द वुड कटर हैड एवर सीन, बहुत बड़ी केतली जो लकड़हारे ने पहले कभी ना देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल केटल फॉर माय वाइफ, ये मेरी बीवी के लिए एक मिसाली केतली हो सकती है। मिसाली या मायारी, मीम ऐन यलिफ या रे छोटी री, मायारी केतली होगी। ही थॉट, उसने सोचा। द वुड कटर हैर ड्रॉप्ड हिज एग्स इनटू द केटल, लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा केतली में फेंका, ड्रॉप्ड
गिरा दी या फेंक दी, गिरा दी लिख दें। अपनी कुल्हाड़ी केतली में गिरा दी। देन ही टाइट वन ऑफ हिज रोप इफ थ्रू द केटल्स हैंडल्स एंड बॉट द केटल टू द कॉटेज। कॉटेज झोंपड़ी। झोंपड़ी ठीक है। रोप रस्सी। टाइट बांधना। फिर उसने अपनी रस्सी का एक सिरा केतली के हैंडल्स बाजू या दस्ते, केतली के दस्ते में से गुजार कर गिरा लगा दी, बांध दिया। एंड ब्रॉट द केटल टू द कॉटेज, और केतली को झोंपड़ी तक ले गया, मतलब कि वो अपने घर अब उसको ले गया था अपनी झोंपड़ी में, कि उसकी बीवी देखेगी तो बहुत खुश होगी। वट अ वंडरफुल केटल, कितनी ज़बरदस्त केतली है। वंडरफुल ज़बरदस्त। हिज वाइफ सेड हैप्पीली, उसकी बीवी ने खुशी से कहा। दिस मस्ट बी अ लकी डे, ये हमारा खुशकिस्मत दिन है। खुश किस्मत दिन। एंड यू फाउंड अनदर एग्स टू, और तुम्हें दूसरी कुल्हाड़ी भी मिल गई। द वुड कटर वॉज सरप्राइज्ड, लकड़हारा बहुत हैरान हुआ। सरप्राइज्ड हैरान, लकड़हारा बहुत हैरान हुआ। ओ नो आई ओनली हैव वन एक्स, ओ नहीं मेरे पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है। बट देयर आर टू एक्सेस इन द केटल, हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, लेकिन यहाँ पर केतली में दो कुल्हाड़ियाँ हैं। वेयर डिड यू फाइंड द अदर वन, तुम्हें दूसरी कहाँ से मिली। द वुडकटर लुक्ड इनटू द केटल, लकड़हारे ने केतली के अंदर देखा। लुक्ड देखा। श्योर इनफ देयर वॉज सेकेंड एक्स जस्ट लाइक वन है ही हैड कैरेट, लेकिन केतली उस, अब वो कह रहा है कि श्योर यकीनन इनफ देयर वॉज अ सेकेंड एक्स जस्ट लाइक द वन ही हैड क्राइड, वो बात का यकीन करने के लिए काफ़ी थी कि उसकी कुल्हाड़ी के तरह दूसरी कुल्हाड़ी मौजूद थी। सेकेंड इज जस्ट लाइक द वन ही हैड कैरेट, उसकी कुल्हाड़ी के जैसी ही दूसरी कुल्हाड़ी भी वहाँ मौजूद थी। एज ही रीच्ड डाउन इट आउट, जैसे ही वो उसको निकालने के लिए नीचे झुका, हिज टर्बन फेल इनटू द केटल, और तो उसकी टर्बन क्या होता है बताएं जी, बताएं टर्बन क्या होता है, पगड़ी, पगड़ी होती है ना जो देखे आपने फर्स्ट पेज पे, उसने पहनी हुई है, तो उसकी पगड़ी केतली के अंदर गिर गई। फैल का मतलब होता है गिर जाना, उसकी पगड़ी केतली में गिर गई। राइट बिफोर हिज आईज, उसकी आंखों के सामने वन टर्बन बिकम्स टू, एक पगड़ी दो में तब्दील हो गई या दो बन गई। द वुडकटर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड, लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान रह गए। द ओल्ड ब्रास केटल मस्ट हैव स्ट्रेंज पावर्स, पावर्स क्या होती है, कुवत ताकत, कुवतें। पुरानी पीतल की केतली की कुछ अजीब ताकत में कुछ अजीब कुवतें हैं। बट हाउ कुड दे टेस्ट दिस, लेकिन
वो इसका इम्तिहान कैसे ले सकते थे? आई हैव प्रिपेयर्ड स्मॉल सपर, आवर स्मॉल सपर, मैंने शाम का कम खाना तैयार किया है, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, लेट्स पुट आवर मील इन टू द केटल एंड सी वट हैपन्स टू इट, चले अपना खाना इस केतली में डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। पुट का मतलब होता है डाल देना, मील खाना, केटल केतली में, एंड सी वट हैपन्स और देखते हैं कि क्या होता है। When they did, जब उन्होंने ऐसा किया, the simple meal doubled in size, तो आम सा खाना तादाद में दुगना हो गया। हुजम, With this, इसके साथ they thought, उन्होंने सोचा, that the kettle could make them wealthy, कि ये केतली उन्हें दौलतमंद कर सकती है। देखें, जो कुट जहाँ पर आ जाता है ना, उसका मतलब होता है सकता। तो कुट चूँकि पुरानी बात, अगर प्रेजेंट की बात होती तो कैन होता, ये पुरानी बात है, तो सकती थी, कर सकती थी। The couple had a few coins stored in the cloth bag. कपल, जोड़ा, जोड़े के पास कपड़े के थैले में जमा कुछ चंद सिक्के थे। कॉइन्स, सिक्के, फ्यू, चंद, कपल, जोड़ा, क्लॉथ बैग, कपड़े के थैले में। स्टोर्ड, जमा किए हुए चंद सिक्के थे। दी क्विकली एम्प्टीड द कॉइन्स, उसने तेज़ी से सिक्कों को खाली किया, इनटू द केटल, केतली के अंदर, एंड वॉच्ड एज द नंबर ऑफ कॉइन्स डबल्ड, और देखा कि सिक्कों की तादाद को दुगना होते हुए, और उसने सिक्कों की तादाद को दुगना होते हुए देखा, डबल्ड, दुगना। अगेन एंड अगेन, बार बार, दे पुट सम मोर कॉइन्स इनटू द केटल, वो केतली में ज़्यादा से ज़्यादा के सिक्के डालते चले गए। इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही वक्त में, एवरी बॉक्स, हर डब्बा, बैग, बस्ता या थैला, बाउल, बर्तन, प्याला, एंड बास्केट और टोकरी वॉज फिल्ड विद कॉइन्स, सिक्कों से भर गई थी। वी आर रिच, हम अमीर हो गए, क्राइड द वुड कटर, लकड़हारे ने चिल्लाया, चिल्ला कर कहा। नाउ वी कैन आस्क समवन टू बिल्ड अ बिग हाउस, अब हम किसी से कह सकते हैं कि हमें एक बड़ा घर, एंड अ फाइन गार्डन फॉर अस, और एक उम्दा बाग तामीर कर दे। बिल्ड, तामीर करना, ते आइन मीम ये रे, तामीर करना। वी विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, हमें दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं, या हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। नेवर, कभी नहीं, हमें अब कभी काम करना नहीं पड़ेगा। ही पिक्ड अप हिज वाइफ एंड कैरीड हर अराउंड एंड अराउंड, उसने अपनी बीवी को उठाया और उसे लेकर इर्द गिर्द घूमने लगा। पिक्ड, उठाया, एंड कैरेट, हर अराउंड एंड अराउंड, और इर्द गिर्द लेकर घूमने लगा। बट इन इज एक्साइटमेंट, लेकिन उसकी पुरजोशी में या जोश में आकर, ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हिज वाइफ इनटू द केटल, हादसाती तौर पर उसने अपनी बीवी को केतली में गिरा दिया। हादसाती तौर पर उसने अपनी बीवी को केतली में गिरा दिया। ओह नो, सेड द वुड कटर एज टू वुमेन हु लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक क्लिम्ड आउट ऑफ द केटल। ओह नहीं, लकड़ाई ने कहा, जैसे ही दो औरतें जो बिल्कुल हू बहू दिखाई देती थी केतली से बाहर आईं। लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक, हू बहू, एक जैसी दिखाई देना, एग्जैक्टली बिल्कुल।
क्लिम्ड बाहर आउट क्लिम्ड आउट बाहर आई. हाउ कैन आई हैव टू वाइफ्स एट द सेम टाइम. मैं एक ही वक्त में दो बीवियां कैसे रख सकता हूँ. यू कांट आप नहीं रख सकते सेड द टू वाइफ्स दोनों बीवियों ने कहा. द वुमेन पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड केम अप विद एन आइडिया. औरतों ने सर जोड़ा और एक मंसूबा या एक ख्याल उनके जहन में आया. आइडिया ख्याल. दे ईच कॉट वन ऑफ द वुड कटर्स आर्म्स एंड थ्रू हिम इन टू द केटल. उन्होंने लकड़हारे का एक एक बाजू पकड़ा और उसे केतली में फेंक दिया. थ्रू फेंकना. अब एक की तो दो बीवियाँ हो नहीं सकती थी तो उन्होंने कहा कि हम दो लकड़हारे बनवा लेते हैं. दे लुकड एट वन अनदर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा. देन दे लुकड एट द टू वाइफ्स फिर उन्होंने टू वुड कटर्स क्लिम्ड आउट ऑफ द केटल. दो लकड़हारे केतली से बाहर आ गए. दे लुकड एट वन अनदर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा. देन दे लुकड एट टू द टू वाइफ्स फिर उन्होंने दोनों बीवियों की तरफ देखा. ओह नहीं नाउ देयर आर फोर ऑफ अस इन वन हाउस. ओह नहीं अब हम चार अफराद हैं एक ही घर में. दे क्राइड वो चिल्लाए या उन्होंने चिल्ला कर कहा. द क्लेवर वाइफ्स हैड द आंसर. चलाक बीवियों के पास जवाब था. ईच कपल वुड यूज हाफ ऑफ द न्यू मनी टू पे फॉर अ हाउस. हर जोड़ा अपने दौलत में हर जोड़ा नई दौलत में आधा पैसा अपने घर एंड गार्डन फॉर देयर ओन और बाग पर खर्च कर देगा. कि वो कह रहे हैं कि आधी आधी रकम हम ले लेते हैं अपने घर बनाने के लिए और बाग बनाने के लिए. द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बट इट मेड द फर्स्ट वुड कटर एंड हिज वाइफ थिंक अगेन अबाउट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंज केटल. मसला तो हल हो गया लेकिन पहले लकड़हारे और उसकी बीवी उस अजीबोगरीब केतली की अहमियत के बारे में दोबारा सोचा. सॉल्व्ड हल हो जाना. इट मेड द फर्स्ट वुड कटर लेकिन उस पहले लकड़हारे और उसकी बीवी ने दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया अबाउट द वैली ऑफ द स्ट्रेंज कैंटल अजीब केतली की अहमियत के बारे में. दे थॉट दैट उन्होंने सोचा दैट द न्यू फाउंड मनी हैड मेड देम केयरलेस कि नई हासिल शुदा रकम उनको लापरवाह बना देगी. केयरलेस लापरवाह. दे सेड उन्होंने कहा इफ इट इज़ सो ईजी टू अर्न मनी दे विल नेवर अगेन नो द प्राइड ऑफ अ हार्ड डे वर्क. उन्होंने कहा सोचा कि अगर नई दौलत ने अगर उन्होंने सोचा कि पैसा कमाना अगर इतना आसान है. इफ़ सो ईजी टू अर्न मनी अगर पैसा कमाना इतना आसान है. दे विल नेवर अगेन तो फिर वो कभी नहीं दोबारा नो जान सकेंगे द प्राइड ऑफ अ हार्ड डे वर्क कि मुश्किल दिन में काम करने की का फ़ख्र या तकब्बुर कैसा होता है. प्राइड तकब्बुर पूरे का तर्जमा करती हूँ. उन्होंने कहा कि पैसा कमाना इतना आसान है कि उसने मुश्किल दिनों में काम करने के तकब्बुर को भुला दिया है. द वुडकटर एंड हिज वाइफ वर अशेम्ड. लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत शर्मिंदा हो गए थे. दैट ग्रीड मेड देम डबल कि उन्होंने के लालच ने उन मेड देम डबल एंड ट्रबल देयर कॉइन्स. लालच ने उनके सिक्कों को दुगना और तुगना करके उससे अनटिल दे हैड मोर मनी देन दे नीडेड. उसने ज़्यादा कमाया कि जितनी उनकी ज़रूरत थी. उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने उन सिक्कों को दुगना और तिगना करके कमाया. द नेक्स्ट डे द वुड कटर वाइजली टुक द केटल बैक टू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट. अगले दिन लकड़हारे ने
बहुत अकलमंदी के साथ उस केतली को जंगल में वापस उसकी जगह पर छोड़ दी रख दिया एंड लेफ्ट इट देयर, और उसे छोड़ दिया वहाँ पर एंड रिटर्न टू हिज़ हार्ड वर्किंग वाइफ, और अपनी मेहनती बीवी के पास वापस लौट आया। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द वुड कटर वाइजली टुक द कैटल, लकड़हारे ने बड़ी अकलमंदी से केतली को उठाया बैक टू इट्स प्लेस द फॉरेस्ट, और जंगल में वापस ले गया एंड लेफ्ट इट देयर, और वहाँ पे छोड़ दिया एंड रिटर्न टू हिज हार्ड वर्किंग वाइफ, और अपनी मेहनती बीवी के पास वापस लौट आया। सो दिस इज़ ऑल द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट लेसन नंबर 2। As you all know that we have complete our reading today, हमने अपनी reading complete कर ली है lesson number 2 की। इंशाल्लाह ताला in our next lecture we are doing the words meaning of lesson number 2। आप लोगों ने क्या करना है कि इस reading को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर मैं बात करूं इसकी एक्सरसाइज की, वो हम कर लेते हैं जो कि उनकी इसकी बुक के लेसन के अंदर से ही है। आज ही हमने रीडिंग किया तो ये हमें करना मुश्किल नहीं लगेगा। Write the letter of the best answer for each option. At the beginning of the story, why did the woodcutter walk slowly? So, at the beginning of the story, story के शुरू में, why did the woodcutter walk slowly throughout the forest? लकड़हारा आहिस्तगी से जंगल के जरिए क्यों जा रहा था? आहिस्ता आहिस्ता क्यों जा रहा था वो? He was in no hurry to get home, उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। He was tired of working all day, वो तमाम दिन काम करके थक चुका था। He had hurt his ankle, या उसने अपनी उसको मोच आ गई थी उसके पाँव में। तो क्या था? वो तमाम दिन काम करके थक चुका था। So B1 is correct. How did the couple test the kettle's power? कपल ने केतली के ताकतों को कैसे अंदाज़ा लगाया? They threw the woodcutter's turban into the kettle. उन्होंने कुल्हाड़े को सॉरी केतली के अंदर लकड़हारे की उस पगड़ी को फेंक दिया था। They put a cloth bag into the kettle. उन्होंने एक कपड़े की थैली को केतली में फेंक दिया था। They placed their meal in the kettle. उन्होंने केतली के अंदर अपना खाना डाल दिया था। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? They placed their meal in the kettle. उन्होंने अपना खाना डाला था। What did the woodcutter hope to buy with his riches? लकड़हारे ने चीज़ों के साथ, इस अमीर होने के साथ, उसने क्या ख़रीदने का सोचा? A new house, a new horse, a new axe. A new house. What caused the woodcutter to drop his wife in the kettle? किस तरीके से, क्या वजह थी कि लकड़हारे ने अपनी बीवी को केतली में डाल दिया था? He carelessly picked her up and twirled her around. उसने बड़ी लापरवाही से उसे उठाया और उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। He wanted to see if the kettle could double people. वो ये जानना चाहता था कि केतली लोगों को दुगना करती है, कर सकती है। He hoped she could get his axe for him. वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो उसकी कुल्हाड़ी को अंदर से निकाल सके। तो उसने बड़ी ही लापरवाही से उसको उठाया और वो उसको उसके इर्द गिर्द घूमने लग गया, तभी वो उसके अंदर जा गिरी। A1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द वुडकटर एंड हिज वाइफ रिटर्न द केटल टू द वुड्स? लकड़हारा और उसकी बीवी उसको जंगलों तक क्यों छोड़ना चाहते थे? देव थॉट द केटल हैड मेड देम ग्रीडी। वो ये सोच रहे थे कि शायद केतली उनको बहुत लालची बना दे। दे वॉन्टेड टू वर्क टू अर्न देयर ओन मनी। वो अपनी ही अपनी जो रकम है वो कमाना चाहते थे, बोथ ए एंड बी या दोनों ए और बी। तो क्या था? वो ये सोच रहे थे कि जो केतली है वो उनको कहीं लालची ना बना दे। A1 इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ वर्ड मीनिंग लाइक वर्ड सिनोनिम्स। आपने इनके इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो हैं उनको मैच करना है। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर स्केल्स इन योर हैंड्स। अपने स्केल्स पकड़ लें अपने हाथों में। वी आर गोइंग टू डू ऑन स्केल। फर्स्ट वन इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Fall by accident. Amazed, हैरान कर देना। Make somebody surprised. Supper, शाम का खाना। A light meal eaten by the in the evening. Brass, पीतल। Shiny yellow metal. Meal, खाना। फूड ईटन एट वन टाइम, ऐसा खाना जिसको एक दफ़ा खाया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज़ फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक।
वर्ड्स ब्लैंक्स फिल करनी है, ये सारी ब्लैंक्स लेसन के अंदर से ही हैं. सो फर्स्ट इज़ द पुअर मैन वॉज वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज, क्या हासिल करने के लिए वो काम करता था, मील, खाने के लिए. द चाइल्ड वॉज डेस्ट टू फाइंड अ न्यू टॉय कार, बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान था अपनी नई गाड़ी देखकर, अमेज्ड. द स्टूडेंट डैश अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर्स, तुलबा ने अपने कंधों पर एक बहुत ही भारी बैग लटकाया हुआ था, कैरिड. आई यूजुअली मिस माई डैश इन द इवनिंग्स, मैं शाम को आमतौर पर अपना खाना छोड़ देता हूँ, सफ़र, शाम का खाना. दे डैश फेल इन द मिडल ऑफ द रोड, वो एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर ज़मीन पर, सड़क पर, सड़क के दरमियान में गिरे, एक्सीडेंटली. ओके, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. एंड नाउ ऑन पेज नंबर 15, ओ साउंड इन वर्ड्स, जैसे नून, लुक. द लेटर्स ओ स्टैंड फॉर वन शुड इन नून, दे स्टैंड फॉर अ डिफरेंट साउंड इन लुक. इन द सेंटेंस बिलो लुक एट द लेटर्स इन द बोल्ड टाइप, इनको जो बोल्ड टाइप्स हैं आपने इनको पढ़ना है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फ्लावर्स ब्लूम इन माई गार्डन, ही लुक्स लाइक टू ईट हॉट फूड. द वुड कटर फाउंड द ब्रास पॉट बिहाइंड अ स्टंप, इट वॉज कूल इन द फॉरेस्ट, द मैन टुक द पॉट होम. ठीक है जी, उन्होंने एक और बात की थी, इफ़ दे स्टैंड फॉर द साउंड यू हियर इन नून राइट एन, इफ़ दे साउंड लाइक लुक राइट एल. अगर तो वो लुक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एल लिखें, अगर वो नून की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एन लिखें. जैसे ब्लूम था तो नून जैसा था, फूड था तो नून जैसा था, वुड कटर लुक जैसा था, कूल नून जैसा था, टुक लुक जैसा था. लाइक दिस एज यू ऑल से दिस. ओके, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि एक सिंपल सेंटेंस टाइप होते हैं, जिसमें आप कोई लाइक रिक्वेस्ट किसी से करें कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और जिससे आप किसी को कोई कमांड दे दें कि लाइक प्लीज़ डू नॉट शाउट लाइक दिस, जैसा ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, तो ये फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. ठीक है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो सबसे पहले कि उनके लास्ट पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइक दिस, ठीक है, उल्टा आई भी इसको कहते हैं. और लिखा हुआ है कि एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं. जैसे अगर आप कहें कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, के हमें बहुत खुशी है, तो हुर्रा का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हुर्रा के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. लाइक इस तरह जैसे लिखा हुआ है, व्हाट अ प्रीटी फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है, तो अगर इस तरह की कोई बात है तो यहाँ पर इसके आगे ये मार्क आ जाता है. उन्होंने कहा है कि जो सेंटेंस इम्पेरेटिव है उनके आगे आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के आगे आईएमपी लिखना है और एक्सक्लेमेटरी के आगे ई लिखना है. ठीक है जी, लिखते चले जाते हैं. व्हाट अ वंडरफुल कैटल इट इज़, दिस इज़ लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यहाँ पे हम ई, एज यू ऑल सी दिस. ही लुक्ड सरप्राइज्ड, अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क ई. लुक इन टू द कैटल, फुल स्टॉप, इम्पेरेटिव. पुट द मील इन टू द कैटल, इम्पेरेटिव. द ब्रास केटल हैड अनयूजुअल पावर्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क ई. दिस इज इट, वी हैव कंप्लीट. So we have complete our today's lecture. Alhamdulillah, we have done our reading of lesson number 2 and exercise. So in our next lecture, we are going to do the words meaning, words sentences and question answers to all together. All of you have to be so much prepared with this. And one thing that you all have to learn this reading and translation. Also you have to do to learn the concepts that was given to you, like sound and words.
another things, language and arts, imperative and exclamatory sentences. These two concepts are going to be clear in your minds. ओके फाइव क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.